देश भर में सोमवार से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आरंभ हो गया है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के दौरान विदिशा में भाजपा जिला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोग कोरोना टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। 1 मार्च से पूरे देश में दूसरे चरण के तहत कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदिशा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कुल 500 व्यक्तियों का लक्ष्य टीकाकरण के लिए रखा गया है। जिले के अन्य जगहों पर गंज, बासोदा और सिरोंज में भी टीके लगाए जाने हैं। मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन आदि को भी टीके लगाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सरकार ने दूसरे चरण के टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारियां दी हैं। आज कोविन 2.0 सेकेंड चरण का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे 60+ के लोगों को और जो 45 साल से 59 साल के जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ में लोग हैं, ऐसी बीमारियों के सर्टिफिकेट देने पर उनका वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट किया है। ये शुभारंभ जो हुआ है आज हमारा ज़िले के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि 500 मतलब मेडिकल कॉलेज में 500 हमने जिला चिकित्सालय में टारगेट रखा है, जो लक्ष्य है हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक ये पूरा होगा। इसी प्रकार हमने 250 बासोदा में और 250 जो है सिरोंज में रखा है। आज का जो जिला स्तर पर लॉन्चिंग हुई है वो बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छा है, और उसमें सभी का, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय का और प्रदेश के मुखिया जो हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका और सब लोगों के उससे जो प्रेरणा है, हमारे विभाग के ECS सभी लोग, उन्होंने जिस तरह की गाइडलाइंस बनाई, जिस तरह का हमको निर्देश दिए, उसका हमने शुभारम्भ आज की करवाया है। अपने जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ जनों से बहुत ही, यहाँ लोग व्यापार महासंघ के लोग भी आए, समाज से भी आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं जो हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, हमारे बाकी सभी लोग आए हैं और सब लोग अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने जो भी ID प्रूफ्स हैं उनके साथ वो आएँ। अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी आज हमने खुला रखा है, लेकिन आगे जैसी जैसी गाइडलाइंस होगी, जो निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसके अनुसार आगे ये ड्राइव चलेगा। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूँगा कि बेहिचक आएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा ज़रूर स्टे करना पड़ता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लगता है, उसकी डेट भी जो है उनके मोबाइल पर आ जाती है। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने कोरोना की जंग में शामिल जो डॉक्टर्स थे, बाकी जो लोग लगे हुए थे, उनके बाद में अब प्रथम चरण नागरिकों के लिए भी वैक्सीन लगाने का प्रारंभ किया है। इसमें 45 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के जो नागरिक हैं, उनको जिनको 10 चिन्हित बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर से पीड़ित हैं, वो पिछले 10 सालों से उनको ये बीमारियां हैं, उनके लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ उन सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को, जिन्होंने हमारे देशवासियों के लिए इस प्राण घातक बीमारी से मुक्त कराने का जो संकल्प लिया था, उसको यथार्थ कर नागरिकों को ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। और मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए, और ये जो वैक्सीन है अवश्य लगवाएं, इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से मुक्त हमारा देश हो। वो तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर वैक्सीन लगाएंगे। एक बार पुनः मोदी जी को धन्यवाद, माननीय शिवराज जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद कि उनके कारण आज वैक्सीन उपलब्ध हो पाई देश के लोगों को। आज मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी द्वारा विदिशा ज़िले को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। आज मैंने जो वैक्सीन लगवाई है पूर्णतः सुरक्षित है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि अपनी वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवाएं और कोरोना को जीतें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने समाज को सुरक्षित रखें। वैक्सीन का टीका पूर्णतः सुरक्षित है और हमारी जो डॉक्टर्स की टीम लगी है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि आज उनके कारण विदिशा में भी वैक्सीन का टीका लगना संभव हो पाया। धन्यवाद।